नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? देखो तुम्हें ऑप्शन दिए जाएंगे भाई, 19 है, ठीक है, 20 होते हैं, या फिर 21 अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर 22 है। तो इस तरह से चार ऑप्शन होंगे। देखो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिनको हम रूढ़ संख्याएं भी बोलते हैं, अभाज्य नाम से ही विदित है कि अभाज्य संख्याएं, इनको रूढ़ संख्याएं बोलते हैं, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर जिनमें केवल खुद का और एक का भाग जाता है, जब किसी तीसरी संख्या का भाग जाए तो वो होती है भाज्य संख्याएं, जिनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो देखो अभाज्य संख्याएं एक से 25 तक 9 संख्याएं होती हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। 1 से 50 में 15, 1 से 70 में 19 होती हैं, 1 से 75 में 21 होती हैं, 1 से 80 में 22 होती हैं, 1 से और 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। इनको रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, इनको प्राइम नंबर भी बोलते हैं। अब कहे कि भाई एक ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटी रूढ़ संख्या है, भाज्य संख्या होती है 2। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सभी अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी पूछे है भाज्य संख्या क्या है, तो 2 बता रही है तुम्हें। ठीक है, एक इसमें एक क्वेश्चन और। अब 1 से 75 तक कितनी हो गई, 1 से 75 तक 21 होती है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बीच में पूछ सकते हैं कि भाई 70 और 100 के बीच में कितनी होती है, इनके बीच में पूछे, तो यदि हमें याद है कि 1 से 100 में 25 होती है, 1 से 70 में 19 होती है, तो दोनों के बीच में 25 में 19 घटाओगे तो दोनों के बीच में 6 संख्या आ जाएगी। एक ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है, तो 4 अभाज्य संख्याओं का योग होता है 17। ये याद करेंगे हम ये चारों। ठीक है, जैसे हमें याद है पहली 2 होती है तो चारों को जोड़ेंगे तो 17। 5 का योग पूछे तो तुम्हें याद रखना है 28 होता है। 6 का योग पूछे तो याद रखना है 41 होता है। 7 का 58 होता है। 8 का पूछे तो 77 होता है। 9 का पूछे तो 100 होता है। और 10 अभाज्य संख्याओं का योग 132 होता है। तो ये चीज इनको जोड़ के भी देख सकते हैं, यदि याद करेंगे तो समय बचाएंगे, और आजकल जो कॉम्पिटिशन है वो समय बचाने का है। तो इनमें अभाज्य संख्या में लगभग जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। धन्यवाद।